त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु ओम ब्रह्मा। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और सबने अपने अपने घरों में तैयारी कर ली होगी। मैंने भी तैयारी कर ली है। रात को ही हमने मंदिर साफ कर दिया था। अब सुबह मैंने ये सारा सामान मैंने यहाँ पे जो भी पूजा की सामग्री होती है मैंने सारी ला के रख दी है। जो सरल विधि से जैसे मुझे पूजा आती है मैं वैसे ही करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा वैसे करती हूँ, जितना हमें आता है। श्रद्धा होनी चाहिए अपने मन में, सच्चे भाव से करनी चाहिए। और हम ये देखिए, मैंने जो बो दिए हैं ये देख सकते हैं कान्हा जी, और हम जो बोते हैं मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये देखिए, ये गणपति लक्ष्मी जी, और ये मैंने सुबह सुबह ही उठ के सारी तैयारी कर ली थी और ये मैंने पूजा कर ली है अपनी, जोत जला ली है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, देखिए कपड़े कल के धुले हुए हैं मेरे, जो मैंने डाल दिए हैं धूप में, और काम चल रहा है ऊपर की सफाई। अच्छी खासी धूप निकली हुई है, वैसे तो ऐसे ही मौसम हो रखा है अभी। देख सकते हैं आप, सफाई अभियान शुरू है। अभी मैंने कपड़े धो लिए और 12 बजे 1 बजे के बाद मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि कपड़े हो जाते हैं आज तो बहुत सारे धोने के लिए। और अब मैंने 2 आलू पड़े हुए थे, दिया भी है कॉलेज से और दिया गया जब भूख लगी हुई है तो मुझे कुछ बना के दो दो। ये 2 आलू पड़े थे और ये धनिया है साफ फ्रेश धुला हुआ, मैं इसमें रख देती हूँ। तो अपने ही घर का है ये, अपने ही क्यारे पे लगा हुआ है, तो ये धो के डालेंगे और साथ में आलू के पराठे। और मैंने कहा चाय तो भी बनेगी नहीं, दही के साथ भी है वो ठीक है। तो अभी हम खाएंगे आलू का पराठा और साथ में दही, बहुत टेस्टी लाजवाब पराठे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अपनी मम्मी के गार्डन में और ये है आम के पेड़ जिस पे बूर आया हुआ है और इस पे आम लगेंगे। और यहाँ पालक थी जो अब ख़त्म हो गई है, अब यहाँ पे सारा सफाई करके भिंडी लगाई जाएगी। और ये देखिए धनिया, हरा हरा धनिया, इसकी हम चटनी बनाते हैं। और ये है बैंगन, एक ही देखिए पौधा है, काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें बैंगन लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए घर की सब्जी हो जाती है बैंगन की। और ये है गुड़हल, देखिए पिंक कलर का गुड़हल है ये। और ये मिर्ची है, मिर्ची में भी फूल आ गए हैं, कितना अच्छा छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है मेरी मम्मी ने। और ये मिर्च की पौध छोड़ते हैं ना, पहले उसका बीज लगाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, अब यहीं से थोड़े बड़े हो जाएंगे, उखाड़ के फिर अलग जगह लगाए जाएंगे। और ये देखिए, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, शायद रात की रानी है, क्या है लगेंगे तो पता चलेगा फूल। और ये पिंक कनेर, इस पर भी बंच में आते हैं फूल, ये देखो अब आने वाले हैं। और ये देखिए पुदीना, वाओ कितना अच्छा हरा हरा, ये देख लीजिए पुदीना। और ये भी मिर्च के हैं, ये आम का पेड़ है। और आ जाइए आ जाइए आ जाइए आगे। और ये है बेलपत्र, बेलपत्र का पेड़ है, यहीं से तोड़ के लेके जाती हूँ और शिव जी पे चढ़ाते हैं। और अब तो बेलपत्र लगे भी हुए हैं, बेल लगे हुए हैं देखिए बहुत सारे, ऊपर करके दिखाऊंगा आपको। बहुत अच्छा माना जाता है ये पेड़।
और इसी से हम पत्ते तोड़ के शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। देखिए अब सुबह हमने पूजा करती है, अब शाम की पूजा है। पूजा की हम जोत जलाने लगे हैं, पूजा करने लगे हैं माता रानी की। ये 9 दिन बड़ी धूमधाम से, बहुत ही घर में रौनक रहती है। पूजा तो हम, मैंने पहले बताया, सुबह शाम रोज करते हैं, लेकिन ये जो माँ के 9 दिन होते हैं, इनमें रौनक का कुछ अलग ही मजा है। तो अब हम जोत जलाएंगे। माँ के नवरात्रे और दुर्गा चालीसा हम पढ़ते हैं रोज। नमो नमो दुर्गे सुख करने, नमो नमो अम्बे दुख हरने, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तेहो लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल वृत्ति विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अंदन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गोरी शिव शंकर प्यारी, शिव जोगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उभारा, धरा